अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज आ रहे हैं आरएसओ हमारी तरफ। फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो एंड अ लॉट ऑफ पीपल आई हैव सीन कीप ऑन आस्किंग दिस क्वेश्चन के आरएस और आबिश का रिलेशन हमसे क्या है। आरएस और आबिश हमारे पुराने नेबर्स हैं एंड दे आर मोर लाइक फैमिली फ्रेंड्स नाउ। हमारी माशाल्लाह उनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है एंड दे आर हियर टुडे लंच के ऊपर। ईद के टाइम पे चले जाएंगे आउट ऑफ सिटी, सो वी प्लान लिटिल लंच टुडे। और मैं तैयार हो रही थी तो मैंने सोचा कि छोटा सा आपके साथ जो है अपना ट्यूटोरियल शेयर कर लेती हूँ। दिस इज अ टाइम वेयर आई डोंट फील लाइक डूइंग एनी मेकअप एट ऑल। तो बस मैं दो ये कंसीलर्स हैं, एक करेक्टिंग के लिए, थोड़े से हाईलाइटिंग के लिए, बिकॉज ये बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा। आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस अंडर माई आईज। और सारी जो स्किन केयर है वो मैं अपनी कर चुकी हूँ। आई अप्लाई सिंटेला, वो मैं हमेशा मेकअप से पहले तो जरूर अप्लाई करती हूँ, एंड सनस्क्रीन एंड मॉइस्चराइजर, दैट्स इट। और बस अब मुझे 5 मिनट के अंदर अंदर रेडी होना है बिकॉज वो लोग आ चुके हैं, उनसे मिलना है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू ब्लेंड दिस आउट विद अ ब्यूटी ब्लेंडर। मुझे आरिज और शादान की तो आवाज़ नहीं आ रही, आई थिंक दे डिडंट कम टुडे। लड़कों का आई थिंक कोई अपना प्लान होगा और मालब ऑलरेडी जा चुकी है अपने दादों के साथ। सो आज मुझे लगता है सिर्फ मैं और आबिश ही होंगे साथ। बस ये थोड़ा सा कर लेंगे जल्दी जल्दी ब्लेंड। अम्मा बड़े मज़े का आज फिश पुलाव बना रही हैं, थोड़ा सा वो रिकॉर्ड कर रही हैं आज किचन में, तो वो बना रही हैं, साथ पास्ता मैंने बनाना है। सो आई हैव टू गेट इन द किचन एंड स्टार्ट कुकिंग। पास्ता बड़ा बेसिक सा होगा, जो भी मैं बनाऊंगी आपके साथ शेयर करती हूँ, बिकॉज पास्ता तो सभी का फेवरेट होता है, बच्चों का, बड़ों का, और किसी भी फॉर्म में मिल जाए तो बेस्ट ही होता है। अब थोड़ा सा जो है मैं पाउडर लगा लूँगी। मैंने आज एक नया ब्लश ट्राई करना है, ये अनिया गिफ्टेड दिस टू मी, और मेरा बहुत दिल कर रहा है ट्राई करने का। द लास्ट टाइम आई पैच टेस्टेड इट तो मेरी स्किन पे थोड़ा सा पैची हो गया था, दैट्स बिकॉज मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है। बट मैं सोच रही हूँ कि इसका जो क्रीम ब्लश है, ये पैट्रिक टा का ब्लश है, दिस इज द इसका शेड जो है दैट्स शी इज़ वॉन्टेड, और ये डबल टेक क्रीम ब्लश है, तो मैं ये क्रीम वाला जो है अप्लाई करूँगी एंड आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट आउट विद अ ब्रश। काफ़ी पिगमेंटेड तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगा रही। अब सही ब्लेंड हुआ है आई थिंक, उस दिन मैंने शायद सही से अपनी स्किन प्राइम नहीं की थी। अ लिटिल बिट ऑन द नोज एंड दैट्स इट। बस लगाना है मस्कारा लिप ऑयल एंड आई एम ऑल रेडी। मस्कारा आई डू ऑफ कैमरा एंड लिपस्टिक अभी ही लगा लेती हूँ। विल बी गोइंग इन विद द बेसिक शार्लेट टिलबरी की पिलो टॉक लिपस्टिक, हल्की सी ये लगाऊंगी और थोड़ा सा ऊपर लिप ऑयल। मस्कारा करते हैं ऑफ कैमरा एंड देन आई शो यू द फाइनल लुक। मस्कारा इज ऑल डन एंड आई एम फाइनली रेडी। बस बाहर चलते हैं और बच्चे से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे लगा आप आए नहीं हो, मुझे लगा आप आए नहीं हो। आपने मुझे स्नैप भेजी थी उसमें आप कहीं और बैठे हुए थे, मैच देख रहे थे इंडिया पाकिस्तान वाला। मैंने कहा आरएस तो घर पे है ही नहीं, वो नीचे फ्लोर था, नीचे वाले में पहचाना ही नहीं, मैं कभी गई नहीं ना नीचे वाले फ्लोर में। चलो शादान आए जी, सारे आएंगे। मुझे लग रहा था ये बॉय भी हमारा चला गया लेकिन ये तो आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम शादान, कौन सी गेम खेल रहे हैं आप? और ये हमारी अभी अभी जो बर्थडे गर्ल गुजरी है आबिश। अब बच्चों मुझे इतना मैं आप लोगों को याद कर रही थी, इतना ज़्यादा, मैंने कहा बच्चे आए तो हम पार्टी करें, कुछ खाएं पिए, इंजॉय करें। कल हमने आना था, कल आप लोग गए हुए थे ना बाहर, इस वजह से नहीं आया। भाई पास्ता आरिस की मामा कह रही है अभी रुक जाओ क्योंकि बच्चों के पेट भरे हुए हैं और गर्मी बाहर बहुत ज़्यादा। इट इज़ 3 o'clock हो गए हैं अभी, तो गर्मी वाकई बहुत ज़्यादा है, तो मैं वेट करूँगी थोड़ा सा जो है मौसम बेहतर हो, किचन में हलचल कम हो, तो फिर मैं जाऊँ। अच्छा जी, मेरे पीछे खड़े हुए दोनों बॉयज शादान और आरिस, उन्होंने मुझे कैमरा सेट करके दिया है। अब बस पास्ता बनाते हैं, मैं थोड़ा सा ऑयल ले लूँगी एक वॉक के अंदर। और ये अम्मा ने इतने क्यूट जिंजर गार्लिक की जो है इस तरह के बना के रखे हुए हैं, क्यूब्स टाइप कह लें या सर्कल्स कह लें, डिस्क सी, और ये इसमें डाल देंगे जैसे ही सॉटे हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। बस इसको थोड़ी फ्लेम में खोलूँगी, फ्लेम बहुत लो थी, इसको थोड़ा सॉटे करेंगे। ये जिंजर गार्लिक की हैं, आप चाहें तो इसमें सिर्फ गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं, बच्चों को अक्सर गार्लिक जिंजर नहीं पसंद होता, तो दैट्स फाइन। बस इसको थोड़ा सा करेंगे सॉटे एंड देन आई विल ऐड इन द चिकन।
अब बस इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। अच्छे से हम कुक करेंगे, बस चिकन को मैं कुक करूँ ताकि इसका कलर चेंज हो जाए, कम्प्लीटली वाइट हो जाएगा, फिर इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चिकन क्यूब, विनेगर, डार्क सोया सॉस, ब्लैक पेपर पाउडर, गार्लिक पाउडर, मिक्स्ड हर्ब्स, अनियन पाउडर, सब हो गया इसमें निकालते हैं, हॉट सॉस, और लास्ट इसमें चला जाएगा केचप। सर्व कर लेते हैं, वेजीज में थोड़ी क्रंची रखूंगी तो मैं बिल्कुल चिकन को मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करूंगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कैबेज, इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स, थोड़ी सी कुक हो जाएगी तो फिर इसमें मैं कैरेट और कैप्सिकम ऐड कर दूँगी। अब इसमें चले जाएंगे कैरेट्स, साथ ही चले जाएंगे कैप्सिकम, इसे जल्दी से एक स्टर दे देंगे, उसके बाद साथ ही मैं इसमें पास्ता ऐड कर दूँगी, क्योंकि वेजीज जो हैं वो रिमेनिंग हीट में और ज़्यादा कुक हो जाती हैं, नहीं चाहती है वो सॉल्व हो जाए, बस सब के अंदर मैं पास्ता ऐड कर दूँगी। अब इसके अंदर मैं सारा पास्ता ऐड कर रही हूँ, मैं पेने पास्ता यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी फॉर्म का पास्ता इसमें डाल सकते हैं। एंड दैट्स इट, आवर पास्ता इज रेडी। अच्छा जी, पास्ता तैयार हो गया, टेबल सेट कर लेते हैं, प्लेट्स, स्पून एंड फोर्क्स, और फिर रखेंगे ग्लासेस। टेबल इज ऑल सेट गाइज, वी जस्ट गॉट डन विद आवर लंच और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना था। कैसा लगा आपको पास्ता? बहुत मजे का था, 10 out of 10, आई लव इट, प्लीज ट्राई करें आप ऐसा रेसिपी। मतलब भाई आर एस से प्रमोशन करवाई चाहिए, आर एस से क्या प्रमोशन करते हैं। एनी वेज अभी तो खैर बज रहे हैं 5 और बाहर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, बट वी स्टिल गोइंग आउट क्योंकि उसके बाद हम बहुत लेजी हो जाते हैं और फिर बच्चे अपने अपने फोन पे लग जाते हैं। मैंने सोचा कोई एक्टिविटी करते हैं, वी प्लान टू डू कोरियन नूडल्स चैलेंज टुडे और हम वो करेंगे और क्या कहते हैं उसकी चीज़ लेने जा रहे हैं। सेकेंडली एक बड़ी मजे की शॉप है वहाँ पे हम जा रहे हैं जूलरी लेने के लिए, आई वॉन्ट टू गेट समथिंग फॉर यू, तो आपको भी साथ लेके चलना है। गाड़ी में बैठते इनकी चीखें निकल गई, इतनी गाड़ी गर्म हो रही है जी। बैडमिंटन पीछे पड़ा हुआ है, चलो बैडमिंटन टाइम हो तो वापसी में बैडमिंटन खेलेंगे। हम शॉप पे आ गए और यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी है, आई एम गेटिंग दीज वंस फॉर माय ईद ड्रेस, और मैं येलो कुछ देख रही हूँ कि अन्या और अम्मा के कपड़ों के साथ कुछ मैच हो जाए। एक मुझे ये भी मिला है, एक ये भी मिला है, एक पिंक निकाल लो, मुझे एक बहुत प्यारा ब्रेसलेट भी मिला है, सो प्रिटी, जो ऑनलाइन मिलती है उसी तरह का है। तो यहाँ पे जो सारे ऑनलाइन मुझे पीआर में भी आए थे ये यहाँ पे भी पड़े हुए हैं, एंड आई रियली लाइक दिस वन, बहुत ही प्यारा है। मैं सोच रही हूँ सिल्वर में मेरे पास नहीं है, हूप्स तो एक ही मुझे ये छोटे हार्ट वाले मिले कि उससे मैं सोच रही हूँ ये ले इंस्टेड ऑफ दिस वन। और दिखाओ कौन से वाले गई थी आप, ये छोटे टोरी बर्च वाले, हाँ ये मेरे पास हैं, और बाजी के लिए छोटे से टॉप्स चाहिए। आरिज और आबिश ने मिलकर निकाला है बड़ा प्यारा सा ये स्टार वाला, और ये आप हर कपड़ों के साथ पहन सकते हैं। कलरफुल ईयर ड्रॉप वाले पड़े में मेरा दिल बहुत कर रहा है लेने का, मुझे पता है मैं पहनूंगी नहीं, तो आबिश से और आरिज से और शाजान से मशवरा हो रहा है यहाँ पे कि कौन से लूँ, कौन सा कलर लूँ फिर इसमें, पिंक, ग्रीन, सिल्वर ले लें बाजी। हाँ सिल्वर नहीं है मेरे पास, गुड आइडिया, छोटे वाले, हाँ छोटे वाले सही है, ठीक है। एक ये निकाला, ये बहुत प्यारा है, और ये भी बहुत एक प्यारा ये सेम सेम हो गया, ये तो सेम सेम नहीं थे, वो मेरे बाजी शेयर कर लेंगे। ये वाला निकालो, ये बहुत प्यारा है, ये वाला, हाँ एक ये मुझे एंकलेट मिली है, कलरफुल सी है बट इट्स सो प्रिटी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो ये मैं ले रही हूं अपनी फ्रेंड के लिए। ये बड़ा क्यूट सा मुझे एक नज़र आया है, रोज गोल्ड में है, गोल्ड में है और साथ में सिल्वर है, कैसा है ये, क्यूट है ये भी, क्यूट है। अच्छा लिया जाए कि ना लिया जाए, बटरफ्लाई वाले बहुत ले लिया जाए। अम्मा ने कहा था मेरे लिए 2-3 लेने ना, तो मुझे ये अच्छा लगा है ब्लैक में, बाकी सिल्वर है तो आई थिंक दिस विल डू। रिंग्स मैंने कुछ सेलेक्ट किए, मैं आपको दिखाती हूँ, और ये कलर्स में है, मैं यूजुअली रिंग्स पहनती हूँ बट ये इतनी प्यारी कि मेरा दिल कर रहा है लेने का। व्हिच वन शुड आई गेट, पर्पल, पिंक, या आरएस ने तो पर्पल निकाली है, मेरी पर्पल पहन के देखते हैं, ये मुझे अच्छी लग रही है, फिटिंग भी इसकी बहुत अच्छी, आई विल गेट दिस वन।
ये दो रिंग्स ली है मैंने, ये वाली फ्रंट वाली मेरी है, बैक वाली जो है मेरी फ्रेंड की है, एक मैंने कलर की है, और बस सारी चीजों का बिल करवाते हैं। बच्चों की इतनी अच्छी नजरें, इतनी क्यूट क्यूट चीजें मुझे बता रहे जो मुझे भी नजर नहीं आ रही। एक ही हार्ट वाला आरिज़ पसंद, थी सारी आरिज़ और आबिश की सारी पसंद है, मारब की टाइप की है ना। ज्वेलरी मेरी सारी आ गई है एंड दिस कॉस्टेड मी अराउंड 6,300 रुपीज। शॉप का नाम है खान ज्वेलरी और ये है G10 मर्कज़ में नियर फाइजा सैलून। ये सामने एक स्टॉल है, यहाँ पे दराज पे जो फैंस मिलते हैं वो मिल रहे हैं, दिस इज़ फॉर अराउंड 1,000 रुपीज। मैं सोच रही हूँ ये ले लूँ। यहाँ पे एक माहनूर चटखारा पॉइंट है, इनके गोलगप्पे आबिश के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो हम सोच रहे हैं कि ये ट्राई करें। खूब गर्मी है लेकिन इन्जॉय भी बहुत कर रहे हैं क्योंकि बच्चे कल चले जाएंगे और मैं और अम्मा हो जाएंगे बहुत ज़्यादा बोर, बिकॉज हमारे पास एक एस्केप होता है और वो था आरिज़ के घर जाना। एज मोस्ट ऑफ यू गाइज नो, आप हमारी वीडियोज़ में देखते रहते हैं। आरिज़ आ गया पानी लेके, बड़ी ले ली। गोलगप्पे आ गए जी, आरिज़ आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। फर्स्ट बाइट आबिश की। माशाल्लाह क्या बाइट है यार, जबरदस्त खान। गोलगप्पे खाते हैं और आपसे बाद में मिलते हैं। अब हम फ्रीओ के आ गए डी वॉटसन और यहाँ से हम लेंगे अपने कोरी नूडल्स का सामान। हमारी बेट लगी थी कि टाकीज कितने होंगे, आई थॉट दीज वर फॉर 3,000 मेरी और आरिज की लगी और आरिज जीत गया। दीज वर फॉर हाउ मच आरिज, 1,500 माइल्ड होती है। आरिज वो रेड कोने में पिंक के साथ, हाँ ऊपर ऊपर, हाँ यू शुड गेट 3 पैक्स। एक तो मेरे पास घर में पड़ा हुआ है वो वाली, मेरे पास है व्हाइट और पिंक वाली, वो कोने में जो पड़ी है ये वाली यार, इस पर्पल के साथ ये मेरे पास पड़ी घर में, हाँ लेकिन वो नहीं उठाना, 5 पैक्स हो जाएंगे फिर। ये 5 पैक्स कोई नहीं खाता हमारे घर में, 1, 2, 3 नहीं 4 नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, मैं एक घर में पड़ी हुई ना, तो वी विल हैव 3, तो अलग अलग हो जाएंगे फिर। तो तीन आप तीनों, तीन बच्चे हो ना, हाँ पिंक वाला चलो आप यहाँ भी है फिर ये बहुत, ये तो वो वाली है पाकिस्तानी, हाँ ये कनौर की है, नहीं शूप की है। चलो आप सॉसेजेस लेने हैं, आपने 4 ले लिए आरिज, आई वोंट हैव दिस, मैं नहीं खा पाऊंगी इतना ज्यादा। चलो फिर आप दूसरा खा लेते हैं, वो मैं नूडल्स ऐड कर दूंगी, सॉस हम एडजस्ट कर लेंगे, उसमें स्पाइसी सॉस भी होती है। ठीक है चलो जी लेट्स गो। आर यू श्योर आप लोग ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, ये स्पाइसी नूडल्स चैलेंज, बिकॉज ये बड़ा आइसक्रीम हाँ ये तो मुझे पता है साथ को हम वी कैन हैव मैंगो शेक या वी कैन आल्सो हैव चॉकलेट ओरियो शेक, फिर ओरियो आइसक्रीम लेनी पड़ेगी। ओरियो शेक किससे बनता है, सिर्फ बिस्किट से तो नहीं बनता, ओरियो से बनते हैं, आइस क्यूब से बनते हैं और दूध से बनते हैं। चलो फिर ओरियोज लो, चलो चलो ये लेना, मिनी है बड़े वाले ओरियोज का, मेरे पाकिस्तानी में तो बड़े नहीं आते, मिनी आते हैं ये वाले लो, चलो ये वाला ले लो, ये ले लो, नहीं लेकिन इसमें एक चॉकलेट खा लो, ये चॉकलेट फ्लेवर है फिर, हाँ ये चॉकलेट वाला है बस, सही है सेम है, ये प्लेन ही है व्हाइट चॉकलेट दोनों, 3, 4 हमारा ये एक इनफ होता है शेक के लिए, ये 2 वन इज मोर देन इनफ फिर हम और ले आएंगे, कोई बात नहीं, अभी आप एक ले लें। चले आप सॉसेजेस लो, सॉसेजेस कैनन्स के सॉसेजेस,
रेड वाला, रेड वाला। और इसमें फ्रैंकफर्टर होंगे या ब्रेकफास्ट सॉसेज, कोई से भी निकाल लो। एक ये और एक ये मिनी बेबी वाले निकालो। हाँ दिस वन इज फाइन, मिनी फ्रैंक्स, ठीक है। चलो जी बस हो गया, वो बंद कर दो, सामान आ गया, अब चलते हैं घर। घर आए और कॉफ़ी टाइम हो गया। कौन सी कॉफ़ी पीनी है? हमारे पास चॉकलेट है और कैरामेल है, और भी हैं लेकिन वो मुझे इतने अच्छे नहीं बनाने आते। बेसिक मिल्क चॉकलेट का कैरामेल आपने बताओ। जल्दी जल्दी आप, हाँ चॉकलेट, चॉकलेट शादान भी चॉकलेट, ठीक है। चलो पहले चॉकलेट बनाते हैं फिर कैरामेल बनाते हैं। पहले जो सिरप है उसको मेजर आउट कर लेते हैं और अब निकालते हैं कॉफ़ी। Are you excited for your coffee? Yes. This glass of coffee is ready. The sauce has just mixed, so again I'm going to pour it over this. The yaar is aap le lena pehle, theek hai? Fir batana kaisi hai. Ab shadan ki banate hain. Ye bhai inke sandwiches bhi taiyar hain, coffee taiyar hai. Now have some snacking, uske baad we'll have some food, theek hai? Challenge. Guys, now it's time for our noodle session, noodle challenge. तो शादान मेरे साथ मुझे कंपनी कर रहा है। इधर मैंने रख दिया है पानी, आई एम गोइंग टू बॉइल दीज, इसको स्ट्रेन करेंगे और फिर वो सॉसेस डालेंगे और इनका ओरियो शेप भी साथ साथ बनना है। शादान इज ऑन ड्यूटी। अब शादान, अच्छा शादान थोड़े खोल के डालने हैं, एक निकालो तोड़ो और फिर डालो। हाफ, हाँ गुड जॉब। इस तरह इधर चीज़ ग्रेट कर दी है और अब बस पानी उबलने का इंतज़ार है, बिकॉज गैस चली जाएगी तो हम जल्दी जल्दी बना रहे हैं। ये पानी बॉईल हो गया, उसमें मैं नूडल्स ऐड कर रही हूँ। नूडल्स को मैं बहुत ज़्यादा देर कुक नहीं करना, बिकॉज ये सॉस में दोबारा कुक होती हैं। थंडर्स पॉइंट टू, और ये सबसे बेसिक तरीका है नूडल्स बनाने का। लोग, बहुत सारे लोग इसमें मिल्क भी ऐड करते हैं। चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ और पार्ट फ्रॉम दैट बहुत ही स्पाइसी भी ऐड करते हैं, मेरे लिए इसके लिए काफ़ी है। गोचूजांग पेस्ट भी होता है, कोरियन पेस्ट, वो भी जाता है बट वो और स्पाइसी कर देगा, बच्चे इतना नहीं खा पाएंगे इतना दिन रात से। मैं थोड़ा सा पास्ता वाटर रख लिया था, मैं इस पर जो है पानी इसमें डाल दूंगी सर, सॉरी इसमें थोड़ी सी नूडल्स भी थी, इसका फ्लेम मैं इंक्रीज कर दूंगी, साथ ही चली जाएंगी इसमें मेरी ये नूडल्स। एंड अब इसके अंदर मैं सारी सॉसेज ऐड कर दूंगी। शादान हंस रहा है कि भाई चैलेंज तो ले लिया है, अब देखते हैं कैसा है। नंबर टू स्पाइसी किस्म की एंड नंबर थ्री थाई सॉस जो है मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर दी है। अब मैं इसकी फ्लेक्स डालूंगी और चीज़ ऐड करके इसे कवर कर दूंगी। चले गए जी इसमें फ्लेक्स, ये इसमें चली गई है चीज़, और अब मैं इसे कवर कर दूंगी लिड से। अब मैं इसमें आइस डाल रही हूँ, नूडल्स तो बन गई हैं, लिड से कवर करती है जब तक वो मिक्स हो जाएगी और मेल्टी हो जाएगी, तब तक शेक बना लेते हैं। साथ मैंने पैन रख दिया सॉसेजेस के लिए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ मिल्क, इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली 750 ml तक फिल कर रही हूँ एक ओरियो के पैक में, और थोड़ी सी शुगर और ऐड करूँगी इसके अंदर, थोड़ी सी इसमें शुगर चली जाएगी, और इसको कर लेते हैं ब्लेंड। ये मेरा थिक सा ओरियो शेक तैयार है, थिक तो खैर नहीं है, ऊपर से रह गया, हाँ ये ऊपर से इसके क्रम्स आ रहे हैं। अब जल्दी से सॉसेजेस करते हैं, देन वी हैव टू रिकॉर्ड आवर ASMR वीडियो जो कि बच्चों के साथ बनानी है, वो आप देख सकेंगे मेरी शॉर्ट पे या मेरी इंस्टा रील पे। ओ परफेक्ट, 3 ग्लासेस हो गए, ठीक है। तो ये हमारे सॉसेज रेडी हो गए और अभी फिर बाद में हम अपना ASMR वीडियो बनाएंगे। ये मेरे सॉसेजेस हो गए हैं तैयार और अब मैं डाल रही हूँ नूडल्स के ऊपर स्पाइस से बन के। Now we're going to have some fun time with the kids और हम मिलते हैं आपको इसके बाद। Guys, we just got done with our ramen party. मैं आपको आफ्टर इफेक्ट्स ये देखें इसका हाल और ये शादान का और आबिश का हाल दिखाती हूँ। ये भाई हमारी बच्चा पार्टी ना पोस्ट ट्रॉमा बैठे हुए हैं।
टाकीज सबसे अच्छी थी, टाकीज टाकीज वर गुड है ना। इन्होंने फिर बाद में ना ढेर सारा दूध पिया है बिकॉज इट वॉज टू स्पाइसी फॉर देम। मेरे लिए स्पाइसी अच्छा जी, आई एम द स्पाइस मैन, आई एम एक्सेप्टिंग द चैलेंज। दिखा दिया ASMR जो भी है, ASMR वाले। आप बताएं, स्पाइसी नहीं खाया और लाइक इसने मेरा दिल जला दिया है। हाँ, और मेरे आंसू भी निकल रहे हैं। दिल डग डग डग, बदोबदी हो गया भाई, बदोबदी। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। और बच्चा पार्टी के साथ मुझे तो बहुत मज़ा आया। इट हैड बीन सो लॉन्ग कि हम मिले नहीं थे, और इनके जाने से पहले जो है बड़ा अच्छा सा हमारा मेमोरेबल टाइम रहा। क्यों बच्चों? यस। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई विल बी मीटिंग यू गाइस इन अनदर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।